इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, जहां पर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने 7 नवंबर से हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर करेंगे आमरण अनशन। पूरे भारत से अयोध्या में जुटेगा हिंदुओं का जनसैलाब। भय का माहौल नहीं, मैं तो भय समाप्त करने के लिए हमारा प्रयास है कि हिंदू राष्ट्र बनते ही आतंकवाद, जिहाद, भय, हिंसा और ये जो जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि हो रही है खत्म हो जाएगी। ऐसे करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं और अभी से लोगों का जो है संपर्क हमसे साध रहे हैं, चाहे साधु संत धर्माचार्य हो या हिंदूवादी संगठन हो, और देश के कोने कोने से हिंदुओं का अभी से जो है लोग संपर्क कर रहे हैं कितनी संख्या में आना है। इसलिए शासन प्रशासन, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो या अयोध्या जिला प्रशासन हो, इसकी तैयारी शुरू करें 7 नवंबर 2, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक बार जिस तरह से हमारा राम मंदिर टूटा, फिर हम 500 साल लड़े, फिर राम मंदिर बड़े मुश्किल से बन रहा है, जिस तरह से इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह से इनका अत्याचार और इनकी नृशंसता क्रूरता, तो आने वाले समय में हम फिर से जो है नहीं चाहते हैं कि फिर ऐसी कोई घटना हो। इसलिए देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमानों को मिला, मुस्लिम राष्ट्र बन गया, बंटवारे से बचा हुआ जो है वो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। महाराज जी, देखिए हिंदुओं में सब प्रमुख हैं, यहाँ जो है सनातन धर्म के मानने वाले जितने हैं, सनातन धर्म का कोई ठेकेदार नहीं होता है। सनातन धर्म में प्रत्येक सनातन धर्म को मानने वाले जितने सनातनी हिंदू हैं वो सब बराबर हैं। जिस तरह से हिंदुओं के विरोध में, हिंदू धर्म ग्रंथों के विरोध में, सनातन धर्म के विरोध में जिस तरह से लगातार बयानबाजी पर बयानबाजी आ रही है, चाहे लोभ लालच दे करके ईसाइयों का कन्वर्जन हो कि ईसाई लोग जो है तो धर्मांतरण करा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है जिहादियों के द्वारा हिंदू बहन बेटियों को लगातार जो है हत्या हो रही है, और अब तो तुष्टीकरण परस्त नेताओं ने हद कर दिया। पहले कहते थे कि हिंदू कोई धर्म नहीं, बकवास है, फिर कोई जो है रामायण की प्रतियां जलवा रहा है, तो कोई कहता है सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, कोई सनातन धर्म को जो है मच्छर बता रहा है, कोई डेंगू मलेरिया कोविड बता रहा है। इस तरह से जो लगातार सनातनियों पर, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, पूरे दुनिया से हिंदू सिमटते अब हिंदुस्तान में है अपनी उदारता के कारण, क्योंकि हिंदू सबको भाई मानता है, हिंदू पूरे विश्व के भले की कामना करता है। अब ये स्थिति है कि अगर हिंदू एकजुट होकर के हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं खड़ा हुआ तो हिंदुओं का वजूद मिट जाएगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं पत्र भेज रहा हूँ कि 7 नवंबर 2023 से मैं आमरण अनशन करने जा रहा हूँ। इसलिए 7 नवंबर 2023 से मेरा जो आमरण अनशन है भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए, उसमें जो है या तो उसके पहले हिंदू राष्ट्र घोषित करने का मुझे आश्वासन मिल जाए, और नहीं तो इतनी भीड़ इस समर्थन में आएगी अयोध्या में कि न भूतो न भविष्यत, न पहले कभी आई थी, आगे तो भगवान जाने हिंदू राष्ट्र को लेकर के जो आंधी चल पड़ी है, क्योंकि हिंदू एक सोया हुआ बब्बर शेर है, वो अभी तक सबको क्षमा करता रहा, लेकिन अब हिंदुओं के वजूद की लड़ाई है। अगर हिंदू एकजुट होकर के हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएगा तो हिंदुओं का अस्तित्व मिट जाएगा, और जिस तरह से 1990 में हिंदुओं का नरसंहार हुआ वो पूरे देश में जाल फैल चुका है। इसलिए आज की हमारी प्रेस वार्ता हिंदू राष्ट्र के संबंध में।